होगी फिल्म, क्या है बोनी का लेटेस्ट बयान। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। नो एंट्री साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस कॉमेडी फिल्म ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब खबर है कि फिल्म नो एंट्री का पार्ट 2 बनने जा रहा है। फैंस को अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है जिसे जानने के बाद फैंस खुशी से झूम सकते हैं। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में अनीस बाजमी ने बताया कि नो एंट्री 2 की कहानी तैयार हो गई है। फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान के डबल रोल होंगे। अनीस बाजमी ने कहा कि देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा प्लान करके काम नहीं कर सकता। जो काम मेरे सामने आ जाता है वो करने लगता हूँ। जिस दिन बोनी कपूर कहेंगे कि फिल्म की शूटिंग शुरू करो, हम शुरू कर देंगे। यह कहानी बहुत खूबसूरत है। इस फिल्म की कहानी में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान के डबल रोल होंगे। इसके अलावा फिल्म में 10 लड़कियां होंगी। इन 10 लड़कियां का किरदार कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले 3 हीरो की 3 बीवियां और तीनों की 3 गर्लफ्रेंड। इसके बाद तीनों के पिपासा वाले किरदार की तरह 3 दोस्त और बची एक लड़की जो तीनों वाइफ की बेहद खास दोस्त है, वही सबकी ऐसी तैसी करने में लगी है। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की रिलीज की डेट पूछे जाने पर अनीस बाजमी ने कहा है कि उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की है और जब वह सलमान खान से दोबारा मिलेंगे तो वह इस बारे में बात करेंगे। अनीस बाजमी ने ये भी कहा है कि फिल्म में अन्य लोग भी शामिल हैं। बताते चले कि नो एंट्री ने लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट किया था। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा अनिल कपूर, फरदीन खान, लारा दत्ता, ईशा दत्त, सेलिना जेटली और बिपाशा बासु ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म नो एंट्री ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और फिल्म के सीक्वल से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। इससे पहले इंडिया टुडे में बातचीत के दौरान फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने यह कहा था कि उनके पास नो एंट्री के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार है। बोनी कपूर ने कहा था कि अब ये सलमान खान पर निर्भर है कि वो ये करेंगे और वे कब करना चाहेंगे। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा था कि वो फिल्म कर रहे हैं तो मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली और मैं तैयार हूँ। जब भी वो इसे आगे बढ़ाने चाहे, अनीस फिल्म के निर्देशक के और उन्हें भी स्क्रिप्ट पर काम किया है। फिल्म का आइडिया किसी और का था। बोनी कपूर ने ये भी दावा किया कि नो एंट्री का सीक्वल पहले वाले भाग से 10 गुना ज्यादा कॉमेडी वाला होगा, लेकिन फिल्म पूरी तरह से सलमान खान पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।